प्रभु प्रकाश का पर्व। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जयशु। आज हम विशेष रूप से प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। संपूर्ण कलीसिया में यह पर्व बहुत ही उमंग के साथ, भक्ति के साथ और आदर के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को विशेष रूप से हम सभी मनाते हुए, प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हुए जीवन में प्रभु की ज्योति को, अपने हृदय में प्रभु की ज्योति को महसूस करने का हम प्रयास करते हैं। आज हम विशेष रूप से संत मती का सुसमाचार पढ़ते हैं, अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से लेकर 12 तक। ईसा का जन्म यहूदिया के बैतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु का जन्म हुआ तो इन ज्योतिषियों को तारा दिखाई दिया और यह तीन ज्योतिषी बहुत दूर देश से प्रभु को देखने के लिए और प्रभु के लिए उपहार लेकर आए। वे सब कुछ अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर प्रभु के रास्ते पर हो लेते हैं। क्या हम अपने सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर प्रभु को देखने गौशाले में जाते हैं, या हम अंधेरा होते ही, शाम होते ही अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं? आज जरूरत है कि जिस तरह से ज्योतिषी लोग, ये तीन ज्योतिषी लोग प्रभु को देखने के लिए निकल पड़ते हैं, उसी तरह हमें भी अपने कंफर्ट को, कंफर्ट जोन से बाहर आकर, हमारे सुख सुविधाओं के एक दायरे से बाहर आकर ईश्वर को देखने के लिए हमें जाना है। उस प्रकाश को देखने जाना है जो निरंतर हम सभी के लिए कृपा का माध्यम बना रहा। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, उस पर हम मनन चिंतन करते हुए विशेष रूप से हम प्रभु के, प्रभु प्रकाश के इस पर्व के दिन अपने जीवन को भी प्रभुमय बनाने के लिए, प्रकाशमय बनाने के लिए, प्रभु की ज्योति से ढक लेने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने आए हैं। जिस तरह से तीन ज्योतिषी आते हैं और प्रभु के लिए उपहार स्वरूप वे विशेष रूप से सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं, इन तीन ज्योतिषियों ने बालक यीशु को सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यह भेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें भी प्रभु के लिए भेंट चढ़ाना है। हम प्रभु के लिए क्या दे सकते हैं? जब हम अपनी भेंट चढ़ाते हैं तो प्रभु से यह कहे कि न सोना है, न लोबान है, न गंधरस है हमारे पास, हमारे पास है बस टूटा फूटा दिल, टूटे फूटे रिश्ते, हम आपको क्या चढ़ा सकते हैं? भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारे जवारात हो, लेकिन प्रभु को क्या चढ़ा सकते हैं? प्रभु हम सभी से या आर्थिक रूप से कुछ नहीं चाहते हैं। प्रभु को हम अपने पवित्र रिश्ते को चढ़ाएं, जो ईश्वर और मनुष्य के बीच जो रिश्ता है उसे हमेशा पवित्र रखें, प्रभु की आज्ञाओं पर चले, प्रभु की बातों को माने। वही तो ईश्वर आज हमें सिखाते हैं, कलीसिया की आज्ञाओं पर चलना, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना, कलीसिया की बातों को सुनना, वही हमारे जीवन का मूल आधार है। और प्रभु के वचनों पर निरंतर बढ़ते रहना, वही हमारे लिए प्रभु का मार्ग है। आज के दिन विशेष रूप से जब हम प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हैं, हम भी इन तीन ज्योतिषियों के समान बने जो तारे को देखते हुए प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, लंबी यात्रा करते हुए प्रभु को देखने के लिए आ जाते हैं। क्या हम चर्च के बिल्कुल पास में रहते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं जा पाते हैं? ऐसी क्या विडंबना रही है आपके जीवन में जो आप प्रभु के पास में रहते हुए भी आप प्रभु के पास नहीं जा पा रहे हैं? अपने घर में बंद है, अपनी सुख सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं, लेकिन उन लोगों को देखिए, उनका विश्वास देखिए जो रात के अंधेरे में
प्रभु को देखने के लिए अकेले ही निकल पड़ते हैं। उन तीन ज्योतिषियों को देखिए, उन तीन ज्ञानियों को देखिए जो प्रभु के साथ प्रभु को दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। उन गडरियों को देखिए जो इतने ठंड में बैठे हुए थे, ताप रहे थे, अपनी भेड़ों को छोड़कर वह प्रभु को देखने चल पड़ते हैं। क्या हम अपने सुख सुविधाओं से बाहर नहीं आ सकते? आइए आज हम प्रार्थना करें आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु प्रकाश के पर्व के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, ताकि हम भी प्रभु की ज्योति में निरंतर बढ़ते जाए, ईश्वर की कृपा में निरंतर बढ़ते जाए और प्रभु की ज्योति में अपने आप को हम सराबोर कर ले और ईश्वर की कृपा में हम हमेशा बने रहे, इसके लिए प्रार्थना करें। आप नीचे लिखे नंबरों पर ज़रूर व्हाट्सअप करें और विशेष रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। Thank you.